everyone, welcome to my YouTube channel. This is Tapesh Yadav. Guys, today we are going to learn about vouchers. बहुत important है vouchers. Tally में हम लोग there are 6 types of voucher. Tally में हम लोग 6 तरह का voucher सीखते हैं. कौन कौन सा? Contra vouchers, payment vouchers, receipt vouchers, general voucher, sales and purchase vouchers. एक चीज नोटिस करिए कि कॉन्ट्रा के बगल में हम क्या लिखे F4. तो F4 क्या है? वो शॉर्टकट कीज है. जैसे ऑल्ट सी क्या होता है? ऑनलाइन लेजर क्रिएशन. सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है? ऑल्ट. उसी तरह टैली में वाउचर्स के लिए भी शॉर्टकट कीज है. ठीक है, जैसे कॉन्ट्रा का शॉर्टकट की क्या है? F4. पेमेंट का शॉर्टकट की क्या है? F5. तो ये सारा शॉर्टकट की आपको याद करना पड़ेगा. रिसिप्ट का शॉर्टकट की क्या है? F6. जर्नल का F7. सेल्स का F8. ठीक है, और परचेज का F9. तो हम लोग समझते हैं पहले कि वाउचर्स होता क्या है. ठीक है, और कौन सा वाउचर्स का क्या मीनिंग है समझना तो पड़ेगा ना, कि कॉन्ट्रा वाउचर्स का मतलब क्या होता है, उसका एंट्री कैसे पास करेंगे, उसको कैसे समझेंगे कि कॉन्ट्रा वाउचर्स का मतलब यही होता है. तो देखो, वाउचर्स क्या होता है? वाउचर्स एक डॉक्यूमेंट्स होता है या एक सर्टिफिकेट होता है. क्या चीज़ का डॉक्यूमेंट्स होता है? कि किसी भी चीज़ का प्रूफ रखने को कि हाँ, जो तुम बिजनेस में जो चीज़ तुम लगाए हो उसका एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है. जैसे एक PDF फॉर्मेट है, हम लोग कैश का जो पेमेंट करते हैं PDF में रखते हैं ना, उसी तरह डॉक्यूमेंट्स भी एक प्रूफ की तरफ है, वाउचर भी एक प्रूफ की तरफ है. तो कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है? कॉन्ट्रा वाउचर होता है ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट. अगर मान लो हमको पैसा या फंड ट्रांसफ़र करना है, सर कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? सपोज मेरा घर है बिहार में, हम वेस्ट बंगाल से पैसा ट्रांसफ़र करेंगे PNB बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में. तो वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट में जब भी कैश का ट्रांजेक्शन होगा तो वहाँ पे क्या हम लोग बोलेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर. मतलब कैसे पहचानेंगे कॉन्ट्रा वाउचर को? कैसे पहचानेंगे? जब भी कैश या फंड ट्रांसफर करेंगे एक बैंक से दूसरे बैंक में. ठीक है, तो हम समझना पड़ेगा हमको कि हाँ, ये कॉन्ट्रा वाउचर है. जैसे कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, पैसा हम बैंक से निकाल रहे हैं, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. बैंक से अगर हम पैसा निकालते हैं तो कैश क्या होता है? मेरे पास आ रहा है, और बैंक से बैलेंस कौन हो जा रहा है? तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो जहाँ पे कैश और बैंक का नाम आएगा हम उसको चूज करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर. समझ में आया? नेक्स्ट जो है हमारा पेमेंट वाउचर. पेमेंट वाउचर क्या होता है? जितना भी एंट्रीज हो, जितना भी ट्रांजेक्शन्स हो, जितना भी इवेंट्स हो, सारा पेमेंट का हिसाब लगे. जैसे कि पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट ऑफ हाउस रेंट बिल, पेमेंट ऑफ रेंट. जैसे कि हम हाउस रेंट बिल पे कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? पे से क्या होता है? पेड पेमेंट. पेड से क्या समझ में आता है? कि सर कुछ पेमेंट कर रहे हैं ना. या इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जो भी है. तो जब भी पेमेंट लिखा होगा या पेड लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये पेमेंट वाउचर है. पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट की F5. नेक्स्ट है हमारा रिसिप्ट वाउचर. रिसिप्ट वाउचर क्या होता है? वो ट्रांजेक्शन जिसमें बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. जैसे मिस्टर टैली स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश, पैसा 1,00,000 रुपया लगा के वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. तो जब भी ट्रांजेक्शन में ऐसा लिखा होगा कि मिस्टर एक्स वाई जेड स्टार्टेड अ बिजनेस, या फिर कैश रिसीव या कमीशन रिसीव, ठीक है ना, तो वो सब रिसिप्ट वाउचर में जाएगा. जैसे सपोज मैं प्रदीप को 1,000 रुपया दिया था, ठीक है, 1,000 रुपया वो बोला कि सर 2 दिन के बाद आपको दे देंगे, तो हम उसे रिसिप्ट कर रहे हैं ना, पैसा ले रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रदीप. गिवर कौन है? प्रदीप है, और रिसीवर कौन है? हम है. तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रदीप. तो ये वाउचर किस में जाएगा? रिसिप्ट. ये जो ट्रांजेक्शन है वो किस में रिकॉर्ड होगा? रिसिप्ट में. क्योंकि समझो कॉन्सेप्ट, रिसिप्ट हो रहा है ना, पैसा आ रहा है मेरे पास. अगर जाता पेमेंट होता तो पेड हो जाता, पेमेंट वाउचर हो जाता.
नेक्स्ट है हमारा जर्नल वाउचर। जर्नल का शॉर्टकट की क्या है, F7। इसमें क्या होता है कि जितना भी एडजस्टमेंट एंट्री है या जितना भी उधारी का सामान हम लोग खरीदते हैं, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधारी में जितना भी हम लोग सामान खरीदते हैं उन सबको हम लोग क्या करते हैं, जर्नल वाउचर। जैसे एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, गोड़ियाहाट का राइट साइड में जो रेड कलर का जो बिल्डिंग था उसमें तो आग लग गया था ना, तो वो सब जो एंट्री है वो सब एंट्री कहाँ पास करेंगे, सर लॉस बाय फायर या जो चीज़ नष्ट हो जाता है, आग में जल गया, बिल्डिंग जल गया या कपड़ा जल गया, तो वो सब जो एंट्री है जर्नल वाउचर में पास करते हैं, ठीक है। या किसी से उधारी में सामान खरीदे हैं तो कर्जा लेके, तो वो सब भी जर्नल वाउचर में पास होगा। या तुम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि मेरे पास देखो ये सारा कोर्स अवेलेबल है, तुम आओ और हमारा सेंटर ज्वाइनिंग करो, तो ये सब भी एंट्री, एडवर्टाइजमेंट टू परचेस, एडवर्टाइजमेंट टू कैश, ये सब भी एंट्री जनरल वाउचर में पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स वाउचर। सेल्स से क्या समझ में आता है, सेल्स क्या है कि कुछ सेल्स कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सेल्स में क्या होता है कि जितना भी एंट्री हो जहाँ पे लिखा होगा सेल्स, जैसे सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स वाई जेड, हम गुड्स किसको सेल कर रहे हैं, एक्स वाई जेड को, तो वो वाउचर, वो ट्रांजेक्शन किस वाउचर में जाएगा, सेल्स वाउचर में, ठीक है। जैसे सोल्ड गुड्स टू कैश, तो वो सब सेल्स वाउचर में जाएगा, ठीक है। सेल्स वाउचर का शॉर्टकट की है ए वी। नेक्स्ट है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर क्या होता है कि बिजनेस को चलाने के लिए तो स्टॉक आइटम का जरूरत पड़ता है ना। मान लो अगर हम एक सेंटर खोल रहे हैं, कंप्यूटर सेंटर, उसमें तो ज़रूरी है कि लैपटॉप होना चाहिए, डेस्कटॉप होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए, कैबिनेट होना चाहिए, तभी तो वो हम रनिंग करवा पाएंगे ना। तो जिस परचेज वाउचर का पहचान कैसे होता है, जब भी कुछ तुम सामान परचेस करो, जैसे परचेस अ मार्कर या परचेस अ डस्टर या परचेस अ फिक्स एसेट्स या कुछ भी जो तुम सामान खरीद रहे हो, वो सारा एंट्री परचेस वाउचर में जाता है, समझ में आया। ये टैली का ये सारा जो छह तरह का वाउचर्स होता है ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग कहीं भी जाओगे तो चाहे इंटरव्यू हो या कोई भी चीज़, आपको ये सब चीज़ पूछा जाएगा। सर जनरल वाउचर में इफेक्ट है, जनरल वाउचर क्या होता है, जनरल वाउचर होता है कि जिस जितना एडजस्टमेंट एंट्री होता है या जितना उधारी का चीज़ होता है, जैसे मान लो ये मार्कर हम खरीदे हैं किस से, मिस्टर प्रदीप से, तो मार्कर टू प्रदीप ये किस में आ जाएगा, जनरल वाउचर में, ठीक है। या मान लो कि एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो इसका एंट्री क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट टू परचेस, ये सब भी एंट्री कहाँ आएगा, जनरल वाउचर में, ठीक है। या मान लो कुछ तुम सामान, या मान लो कैबिनेट, लैपटॉप या कुछ भी तुम परचेस कर रहे हो किसी पार्टी से उधार में, मान लो प्रदीप से हम ये डस्टर खरीदे, हम बोले कि 5 रुपये बाद में दे देंगे, ये क्रेडिट का ट्रांजेक्शन हुआ ना भाई, तुम उधारी में सर खरीद के लेके गए, तो ये जो एंट्री कहाँ पास होगा, जर्नल वाउचर। तो ये सब वाउचर्स आप लोग को याद करना होगा, ये सब वाउचर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन सबको बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स, अकाउंटिंग वाउचर्स। और भी वाउचर्स है जैसे डेबिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर्स, मेमोरेंडम वाउचर, पोस्ट डेटेड वाउचर, जब चेक बाउंस हो जाता है तो उसका एंट्री कैसे पास करेंगे, तो वो हम बाद में जानेंगे, पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।